तो दिन सुहाना किस्मत ने बाहर उसे वादा किया। बड़ी खुशी की बात थी जो आज घर में एक लड़की ने जन्म लिया। पौधे में सूख रहे फूल खिलकर आंगन में सजे, पर इस बार उसके घर लौटने पर ढोल लगाने नहीं बजे। मुस्कुराहट तो थी चेहरे पर अंदर से खुशी कम हो गई थी। सबको पहले बच्चे की बहुत एक्साइटमेंट थी, पर लड़की पैदा हो गई थी। बरसों के इंतजार का वो लम्हा जब खुशी से सबकी आंखें नम होती है। खैर, थमा लिया गोद में कहकर, लड़कियां भी कहां किसी से कम होती है। लगा दिया माथे पर टीका सोचकर, अगली बार लड़का हो जाएगा, दहेज ही तो जोड़ना पड़ेगा, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। बरकत ने दरवाजे पे दस्तक दी, सबने खुशी से मीठा चखा। लड़की का नाम ग से निकला था, तो बड़े प्यार से गौरी रखा। इतनी सुंदर लड़की है, इसे रोज माथे पे काजल का टीका लगाना। पर बड़ी बुआ ने गोद में लिया तो कह दिया, इसे ज्यादा ना पढ़ाना। दादी ने कहा, हाँ ज्यादा पढ़ेगी तो सर पे नाचने लगेगी। लड़की है, अगर ज्यादा पढ़ ले गई तो अपने आप को लड़का मानने लगेगी। पर पापा ने कहा, मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, जब कुछ बन जाएगी तो ही शादी कराऊंगा। और बस बन गई छोटी सी तस्वीर उसकी आसमान के बादल पे। दुनिया भर के तानों से दूर छिपा लिया माँ ने अपने आंचल में। पर हाँ, पैदा होते ही दरवाजे पे लक्ष्मी आकर खड़ी हो गई थी। वक्त गुजरते देर न लगी और छोटी सी नन्ही सी गुड़िया बड़ी हो गई थी। गमों के फटे कपड़ों को खुशी के धागों से सिया और चौथे जन्मदिन पे मासी ने उसे क्रॉकरी सेट ला कर दिया। खुश हो गई मासी, उसके लिए प्लास्टिक के बर्तन लाई थी। पर बर्तन ही क्यों, उसने तो रिमोट वाली कार मंगवाई थी। वो म्यूजिक वाली गन तेरे भैया की है, उसके लिए नहीं लड़ना है। बुआ ने भी हाथ में गुड़िया देकर कह दिया, ले खिला इसे, तुझे आगे जाकर चूल्हा चौका ही तो करना है। हैरान इस बात से कि इस दुनिया में लड़के लड़कियों में कितना फर्क करते हैं। अभी बेखबर थी क्योंकि क्लास में तो सब साथ ही पढ़ते हैं। 6 साल की हुई तो चली गई गली में, पर बोल दिया उसे कि क्रिकेट लड़कियों का खेल नहीं है, जाकर टीचर खेल लड़कियों के लिए घर के खेल ही सही है। नूर झलका 11 साल की हुई जब क्लास में टॉप करके आई। खुशी आई घर में जब चाचा की शादी आई। मार्च का महीना था और बेचारी मेहंदी में भी अपने नोट्स लिख रही थी, पर हाँ, शादी में बिल्कुल शहजादी जैसी दिख रही थी। उसके इतने खूबसूरत लगने की पूरे घर में बात हुई, पर शादी के 2 दिन बाद एक अनजानी वारदात हुई। सुनहरे गोरे रंग पे काजल लगाया था दूर का एक भाई जो शादी में आया था। फरेब निगाहों का जादू उसे चारों ओर से घेरने लगा। अधेर रात साथ सोया भाई अचानक उसके सीने पे हाथ फेरने लगा। चुपके से मना किया था कि इज्जत पर आंच ना आए, पर नहीं माना और कहता, चुप रह जब तक सवेरा ना हो जाए। बाद में सोचा, बताएगी सबको तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, जान से मार देंगे मुझे भैया और घर वाले भी कुछ ना कर पाएंगे। ये लम्हा उसे आखिरी समय तक याद रहने वाला था। और अब उम्र हुई 14 साल और आज उसे मंदिर जाना था, पर अचानक पेट दर्द होने लगा, बिना किसी चोट के जख्म होने लगा। दर्द का राही चिल्लाने के लिए कहता गया, गई गुसल खाने तो खून ही खून बहता गया। तू लड़की है और ये दर्द ही तेरा अस्तित्व होगा, बताया घर में तो पता चला कि अब से ये हर महीने होगा। और अब जरा 7 दिन तक मंदिर में हाथ मत लगाना वरना अपशगुन हो जाएगा, और बाल मत धोना वरना बच्चा नहीं हो पाएगा। बेडशीट गंदी हो जाएगी तो बिस्तर पर सोना मत, और मालूम है दर्द में रूह कांप जाएगी तो 3 दिन सोच कर रोना मत। बेचारी को इतने दर्द में भी एग्जाम देने जाना था, और अब हुई 16 साल की तो जन्मदिन भी तो मनाना था। और इस बार सोचा क्लब जाएगी, पर घर वालों को कैसे मनाएगी। जैसे तैसे झूठ बोला और उस दिन तो उसकी जवानी सर पर चढ़ी, और कुछ गलत नहीं था, पर फिर भी सबकी नजर उस पर पड़ी। गुजरते गली में आंटी ने देखा तो कपड़ों पे सवाल उठाए, कहती ऐसे कपड़े पहनकर बाहर घूमती है, भगवान ना करे कहीं बलात्कार ना हो जाए। इस तरह लड़कों के साथ घूमने वाली ये होती है, और फिर कहते हैं लड़कों की सोच गंदी होती है। हाँ सही कहा, क्योंकि उस दिन सबकी नजर उसके सीने पे थी, पर उसे क्या, उसकी नीयत तो खुशी से जीने पे थी। पर हद तो तब हो गई जब उसके दादा के उम्र के अंकल की नजर उस पे गई। बेचारी अपनी ड्रेस पे भी चुन्नी उड़ कर गई, लेकिन दोस्तों ने कहा, चल ना छोड़, ये ले आज एक सिगरेट ट्राई कर ले, कुछ नहीं होगा। पर अनजान थी इस बात से कि इससे उसके लंग से पहले उसका करेक्टर खराब होगा। मम्मी जब जब बाहर जाती थी तब तब उन्हें कोई ना कोई भड़का देता था, मुझे यहाँ देखा, मुझे वहाँ देखा, इसके साथ उसके साथ, शिकायतों की एक लिस्ट उनके हाथ में थमा देता था। अपने घर वालों से ज्यादा बेचारी अपने मोहल्ले वालों से डरती थी, और यही एक काम था जो अंटिया बिना तनख्वाह के एक्स्ट्रा करती थी। खैर, पढ़ाई में सबसे आगे थी तो ढेरों मेडल जीत के लाने लगी थी, पर उम्र से पहले ही थोड़ी जवान नजर आने लगी थी। आधे प्लान्स तो पीरियड्स ही खराब कर देते थे। बची कुछ ही थोड़ी सी खुशियां जिन पे हंसो तो लोग सवाल कर देते थे। एक बार तो एक लड़का उसे 3 दिन तक परेशान करके कहता रहा, देखना यार क्या माल है। 3रे दिन दिल पे हाथ रख के बड़ी हिम्मत जुटाकर चली गई और कह दिया, जाकर अपनी बहन को देखना, वो भी तो बवाल है। सच में शक्ल देखते ही चप्पल उठाने का मन करता था, पर क्या करे, नजरों से किया गुनाह मुनाफिस था ही नहीं, तो खुद को लहजे में रखना पड़ता था। भाई की वजह से किसी से बात करने में भी डर लगता था। शाम से पहले मेरा घर आना जरूरी था, पर उस पे कोई नजर नहीं रखता था, और आज उसे बहुत डांट पड़ी। सोचो उसने ऐसा क्या कर दिया था। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटे से मजाक पर दिल खोल के हंस दिया था।
लेकिन सुनहरी आंखों में लाखों सपने चमकते तारों जैसे हैं। उस चुलबुली मनचली को आधे वक्त तो यही सिखाया जाता था कि लड़कियां आखिर बैठती कैसे हैं। बेचारी एक बार सोच रही थी कि हर गाली माँ बहन पर ही क्यों होती है, लड़कों का भी चीरहरण करो, आखिर लड़ाई उनसे और परेशानी हमें होती है। घर में सिया राम राधा कृष्ण करके समाज की गोपियों पे नजर डालते हैं। एक तरफ लड़की को देवी कहने वाले गलती होने पर सबसे पहले इज्जत उछालते हैं। बस स्कूल का आखिरी वक्त और क्लास के एक लड़के से बात हुई, हंसी मजाक में एक रिश्ते की शुरुआत हुई। मंजिल बदल गई जब बंजारे मन को अपनेपन का एहसास हो गया। वक्त गुजरते देर न लगी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। शुरू के कुछ महीने बिल्कुल राजकुमारी सा जताता था। ग्रीन फ्लैग इतना बड़ा कि रोज उसके हुस्न पे एक शायरी सुनाता था। अपनी जिंदगी का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया था, उसने भी अब धीरे धीरे सबको छोड़ दिया था। दिल में शहनाइयां बजने लगी, चहचहाने लगी मैं ना, और फिर एक दिन कहता, अच्छा एक बात बता, तू वर्जिन तो है ना? और जवाब में कहा, हाँ हूँ, पर नहीं होती तो क्या तू नहीं अपनाता? कहता, तब की तब देखी जाती, पर अच्छा होता अगर ये दिन ही नहीं आता। फिर कहती, तेरी वर्जिनिटी का बता ना, कैसे पता चलेगा? कहता, अरे मैं लड़का हूँ, ये सवाल मुझ पे काम नहीं करेगा। सोचा ना जाने क्यों लड़कियों के ऊपर ही सारे टैग होते हैं। लड़कियां कोई प्रोडक्ट है जिनके कैरेक्टर वर्जिनिटी से डिसाइड होते हैं। पर सही कहते हैं, इस दुनिया में जिस्मों का सौदा होता है, जिनका दिल साफ होता है उन्हीं के साथ धोखा होता है। फरेब नजरें मानो शिकार पर निकली थी, उसकी मोहब्बत की नजर न जाने कितनों पे फंसी। जब मजबूत हुआ रिश्ता तो मोहब्बत के नाम पर जिस्म का सौदा कर गया, हो गया उनके बीच सब कुछ तो चला गया ऐसे जैसे मर गया। खुद से ही अनजान हो गई थी और बस जिंदगी वीरान हो गई थी। भैया से छिप छिपा कर मिलती थी और फिर सुनने मिलता था, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और जब पता चला घर वालों को ये सब, तो घर वालों ने उसका निकलना बंद किया। उसे वापस लाने की कोशिश करी तो तस्वीरों के नाम पर डराने लगा। जिसने चरित्र उछाला था आज वही कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगा। सब दोस्तों को दिखाने लगा उसकी तस्वीरें और बस डिप्रेशन में जाने लगी वो धीरे धीरे। दिन का आधा वक्त तो इसी डर में निकल जाता था कि पापा को पता चल गया तो क्या होगा। खून का घूट पीकर रह जाती थी, आखिर इससे बुरा एक लड़की के साथ क्या होगा। पर सोच लिया जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखकर हसीन चेहरों को सोच लिया, सेल्फ डिपेंडेंट तो बनना पड़ेगा। मिटाई यादें, हटाया मुश्किल को, कुछ वक्त गुजरा, संभाला जब दिल को। बीते 4 साल तो लड़ झगड़ कर निकली नौकरी की तलाश में। एक जगह तो एक मैनेजर कहता, पहले आकर बैठ ना मेरे पास। छिपाकर अपना तन बदन कहीं मिली नौकरी तो आकर अपने घर वालों को समझाती है। और बस अगले दिन से ही बातें बननी शुरू हो गई कि इनकी लड़की देर रात घर आती है। सजना सवरना पाप हो गया था, लड़की होना एक अभिशाप हो गया था। और फिर वक्त बीता और इस बार शादी लायक हो गई थी। अच्छा था लड़का, पर इस बार उसे भी शिकायत हो गई थी। ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो तू रात रात भर नहीं सोती? कहते, अच्छा हुआ लड़की का रंग गोरा है, वरना लड़का मिलने में मुश्किल होती। खैर अनजानी जोड़ी थी तो बीते कल को छिपाने के लिए बनाए कई बहाने। 2 हफ्ते ही बीते थे और अब वहाँ भी मिलने लगे ताने। शायद पापा ने सब कुछ दे दिया था, पर फिर भी दहेज में कुछ कसर रह गई थी। नए घर में अकेली अनजानी की बेबसी आंसुओं में बह गई थी। कभी कभी तो उस पे हाथ भी उठा देता था, मायके भी कब तक रहती, जमाना मजाक ही बना देता था। मना कर दिया, लड़का कमाता है तो लड़की को क्या जरूरत, घूंघट जरा लंबा, किसी मर्द को दिख ना जाए तेरी सूरत। माँ का प्यार, पापा का लाड, सब छूट गया और वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने वाला सपना बुरी तरीके से टूट गया। शायद सही कहते हैं, लड़की की जिंदगी के सारे फैसले तो बाकी लोग ही लेते हैं, और जो निकलती है सपने साकार करने, उन्हें समाज के दरवाजे ही धोखा देते हैं। कभी सीने पे हाथ मारा जाता है तो कभी कोई आ जाता है पीछे से छूने। किसी किसी का तो सपना होता है, काश एक दिन हम भी अंधेर रात में खुली हवाओं में बाहर घूमें। मायके भी नहीं बताती थी कि कैसे जिंदगी कट रही है, कि कई अनजानों के बीच में अपनी तन्हाई के आंसुओं में बट रही है। यहाँ सुनती है पराए घर से आई है, वहाँ सुनती थी पराए घर जाना है, वो घर भी उसका नहीं था और ये घर तो वैसे एक ठिकाना है। खैर बीता वक्त और खुशी आई घर में, पता चला माँ बनने वाली है तो उम्मीदें जगाई मन में। और वो मौत से 9 महीने न जाने कितने दर्द भरे थे, पर एहसास में कि कोई होगा मेरा, तो दर्द के आगे ममता के सिपाही खड़े थे। पर 7वां महीना आते ही न जाने क्या हुआ, कांटो भरी रात और बहुत तेज दर्द हुआ। ले गए अस्पताल तो पता चला कि बच्चा अब नहीं रहा है, कुछ भी हो सकता है, माँ की जान को भी खतरा है। पर कई कोशिशों के बाद लौट आई अपने घर को, कुलक्षणी कहकर पुकारा समाज ने इस दर्द। पर इसमें उसकी ना जाने क्या गलती थी जो उसे समाज की इतनी ज्यादा सुननी पड़ती थी। रही सही एक आस, उसने भी धोखा दिया था, अनजाने लोग भी यूं सुनाकर चले जाते थे कि उसने तो ये सब जानबूझकर किया था। पति भी ऐसा मिला कि कभी सीने से लगाकर मोहब्बत नहीं की, सर नहीं सहलाया। उस पे क्या बीत रही है जिस हमसफर को बताना था, उससे भी दिल पे पत्थर रख के सब कुछ छुपाया। देर रात घर आता था और आकर सो जाता था, कहां कब कैसे पूछो तो बताता नहीं था। इंसान भी ऐसा कि झूठा भी प्यार जताता नहीं था। उसी के नाम का मंगलसूत्र, उसी के नाम का सिंदूर, और जिस दिन नहीं लगाती थी तो सास से सुनती थी जरूर। ये एक आईडी कार्ड था जिसे बिना लगाए वो बाहर जा ही नहीं सकती थी, पर सिर्फ महिलाओं पे ही क्यों, पुरुषों पे भी तो कोई निशानी दी जा सकती थी। बेचारी कल तक लोअर टी शर्ट में रहने वाली उसे सूट में रहना पड़ता था। टी पार्टी भी ऐसी कि अंटियों के बीच में रहना पड़ता था।
को भरने के लिए फिर चालू करी दुआ मांगने हर मंदिर हर अजान में। 4 साल ताने सुनने के बाद फिर गोद भरी उस सोने से मकान में। फिर से सबके दिलों की धड़कने धड़की हुई, आवाज आई रोने की, पर अफसोस उसे लड़की हुई। फिर समाज ने वही ताने दिए जो वो सुनती आ रही थी। एक बार फिर घड़ी दोहराई और इस बार फिर से एक माँ अपनी बेटी को अपने आंचल में छिपा रही थी। सौंप दी अपनी पूरी जिंदगी उस घर की चार दीवारी में, सुबह से शाम तक काम करना, होली पे दिवाली पे जिंदगी इसी में सिमट कर रह गई। सपने देखने चली थी और घर में ही घुट कर रह गई। जिंदगी इससे आगे बढ़ ही नहीं पाई, कहाँ ख्वाबों की माला बनाकर पहनी थी। बेचारी कुछ कर ही ना पाई, रोटी बनाते बनाते हाथ जल जाता था पर खुद पे ध्यान नहीं देती थी। माँ बहू पत्नी इतने सारे उसे फर्ज निभाने थे कि दवा भी वक्त पर नहीं लेती थी, और वही नहीं आज हर महिला को एक ना एक बीमारी जरूर है जिन पर वो ध्यान नहीं देती। बेचारी बचपन से अंत तक घुट कर रह जाती है पर चेहरे पे आने नहीं देती। वही कुछ नुस्खे अपना कर खुद को संभाल लेती थी, इतनी नादान थी कल तक, और आज अपनी दाल भी दूसरों की कटोरी में डाल देती थी। और बस वही बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई, डायबिटीज इतनी हाई लेवल की पर दर्द में भी काम करती रही। और बस इस दुनिया से वो मोड़ कर जब नहीं सह पाई तो चली गई इस दुनिया को छोड़कर। शायद ये कहानी हर उस लड़की की है जो समाज के आगे अपना अस्तित्व रखती है, पर समाज की बेड़िया ऐसी है कि उसे अपनी लगाम कसनी पड़ती है। शायद ही कोई होगी जो अपने परिवार के लिए रोज कुर्बान नहीं होती, शायद ही कोई होगी जो बेवक्त बेवजह किसी पे मेहरबान नहीं होती। भले ही मेरी लिखी ये कहानी एक काल्पनिक थी, पर यह हर उस घर की, हर उस समाज की कहानी है जहाँ लड़कियों को दबाया जाता है। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। और हाँ, चेहरे से बयां ना करें इसका मतलब ये नहीं कि वो परेशान नहीं होती। सच ही कहते हैं कि लड़कियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। धन्यवाद।